For the differential equation this, which one of the following is not its solution? अब देखो यहाँ ना ये दोनों एक जैसे टाइप के हैं, इन दोनों में हम ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है? इसे देखते हैं और इसे देखते हैं, पहले इसे देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करें। 4 dy upon dx is equals to कितना हो गया 2x, तो यहाँ से dy upon dx कितना आ गया x by 2, यहाँ पुट कर लेते हैं, तो x by 2 का स्क्वायर यानी कि x square by 4 minus x और x by 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है x square by 4, देखना x square by 4 प्लस x square by 4 तो कितना हो गया 2 times of x square by 4 और यहाँ पे minus x square by 2, देखो 0 आ रहा है, ठीक है? तो ये तो सॉल्यूशन है, इन्होंने कहा था नॉट, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसे चेक कर लेते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट करो, dy upon dx कितना आ जाएगा 1, पुट करके देखो 1 का स्क्वायर माइनस x into 1 प्लस y इज इक्वल टू 0, है ना? तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ इक्वल टू 0 लाना था, यहाँ से कितना माइनस x प्लस y ही आ रहा है, ठीक है? अगर हमने dy upon dx को क्या रखा था, 1 रखा था, तो 1 का स्क्वायर माइनस x इंटू 1 प्लस वाई, अब यहाँ से कितना हो गया 1, ये माइनस x प्लस वाई, x की जगह अगर हम y रख दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है? तो क्या बचेगा 1, 0 नहीं आ रहा ना, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है? व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन पूछा है। तो जो हमारा बेसिक है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो ये कि dy और dx न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो dy न्यूमरेटर में इसे इधर ले आओ वाई स्क्वायर dx, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसे वाई स्क्वायर को इधर लाएंगे, वाई पावर माइनस टू डी वाई और यहाँ पे माइनस एक्स पावर माइनस टू डी एक्स, देखो जहाँ dy है वहाँ y वाले टर्म और जहाँ dx है वहाँ x वाले टर्म आ गए। अब y की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, y की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन और x पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, तो कॉन्स्टेंट बाद में लगा लेंगे, चलो ये हो गया माइनस का वन अपॉन वाई और ये हो गया प्लस का इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस सी, इसे इधर ले आओ इसे इधर ले आओ, सी को इधर ले आते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, तो यहाँ से कितना आएगा वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सी है। देखो जरा कोई ऑप्शन है कि हमारा कॉन्स्टेंट को अगर हम इधर भी रख लें ये मैच कर रहा है, सी सी लिख लो या वन अपॉन सी लिख लो एक ही बात है, कॉन्स्टेंट ही होता है ना, सी एडजस्ट हो जाता है, तो इसमें सी बैठ सी बैठ जाएगा। वट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये भी उसी के टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ डी एक्स है इधर डी वाई, इन्हें थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, ए की पावर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई, देखो जो ऑप्शन दे रखे सब में वन माइनस ई पावर एक्स है तो इस माइनस को एडजस्ट नहीं करेंगे ऐसे रहने, ठीक? ये डी एक्स है ना, ए की पावर एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स, इसे इधर लिया माइनस sec स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई, सारी वाई वाले टर्म एक तरफ और डी एक्स वाले टर्म एक तरफ, इंटीग्रेट कर लो, नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर पड़ा होगा अगर यहाँ माइनस होता तो, इसे प्लस करके यहाँ माइनस कर दें, क्या हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो गई, तो लॉग वन माइनस ई की पावर एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर पड़ा यहाँ भी वही हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो लॉग टेन वाई प्लस सी, सी लगा लो या लॉग सी लगा लो, लॉग वन माइनस ई की पावर एक्स माइनस लॉग टेन वाई इज इक्वल टू लॉग सी, तो ये लॉग वन माइनस ई की पावर एक्स अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो वन माइनस ई की पावर एक्स वन अपॉन टेन इज कॉट वाई इज इक्वल टू सी, तो कॉट वाई वाला ऑप्शन तो है लेकिन कॉट वाई और वन माइनस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में है, तो ये भी नहीं मैच कर रहा और कोई मैच कर ही नहीं रहा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ।